मैं आपके लिए इजी रेमेडीज लाती रहती हूँ, तो आज भी मैंने आपके लिए एक बहुत ही इजी रेमेडी लाई है जिससे कि आप अपने चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं उसे तो हटा ही सकते हैं, और साथ ही साथ ये रेमेडी आपके चेहरे पे अगर कोई एक पिंपल्स हो जाते हैं और वो फिर बढ़ने लगते हैं, तो अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे कभी भी पिंपल्स नहीं होगी, आपकी जो भी पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, और इसके कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद ही आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा और आपका चेहरा बहुत ही स्मूथ और ग्लोइंग भी बनेगा। आज मैं आप लोगों के साथ दो रेमेडी शेयर करूंगी, तो पहली रेमेडी के लिए आपको नारियल तेल और उसके साथ साथ आपको कपूर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये कपूर को आप कैम्फर भी बोलते हैं, तो आपको किसी भी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, या तो ये दोनों चीजें आपके घर पे भी होगी। और दूसरी रेमेडी हम लोग एलोवेरा जेल से मंगाएंगे। पहली रेमेडी आपके पिंपल्स को रातों रात खत्म करेगी, और जो दूसरी रेमेडी हम लोग बनाने वाले हैं वो आपके पिंपल्स को आने से रोकेगी और दाग धब्बों को खत्म करेगी। आपको बस एक क्लीन बाउल में इस सभी को अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है। इस तरीके से मैं बता रही हूँ, जैसे ये बहुत ही इजिली बन जाता है, और अगर कुछ दाने बड़े रह जाए तो आप इसे चम्मच की मदद से भी इस तरीके से मिला लें, जिससे इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन जाएगा। और अब आपको इसमें जो मिलाना है वो है नारियल का तेल। नारियल के तेल से आपको जो भी इन्फेक्शन होते हैं स्किन पे वो सही हो जाते हैं। ये इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपके चेहरे पे अगर कोई भी पिंपल्स हो रहे हैं तो उन्हें भी रोकता है। और इसके साथ अगर आप कपूर मिला करके इस्तेमाल करते हो तो ये रातों रात आपके पिंपल्स को सही कर देगा। तो अब आपको बस इसे एक उंगली पर लगा करके जहाँ पर भी आपके पिंपल्स हो रखे हैं आपको इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है, अपने चारों तरफ जहाँ पर भी पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम है या दाग धब्बे हो रखे हैं, तो आप इस तरीके से अपने चेहरे पर इसे लगा लें और इसे रात भर ऐसे ही रहने दें। सुबह ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो सकते हैं, और उसके बाद जो आपका इसका रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब जो मैं नेक्स्ट रेमेडी बताने वाली हूँ उसके लिए आपको एक क्लीन बाउल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी दोनों ही होती है, तो ये आपके चेहरे पे इन्फेक्शन को रोकता है। और इसके साथ आपको इसमें 1 चम्मच हल्दी भी मिलाना है। हल्दी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके चेहरे पे अगर किसी तरीके की सूजन आ जाती है या पिंपल्स के जो सूजन होते हैं उसे भी बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता है। और अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं मिला करके तरीके से, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो आपके जो भी एक्ने पिंपल्स के प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पे कोई भी तरीके की पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये रेमेडी आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करेगा, आपको एक गोरा निखार देगा, और आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा गोल्डन ग्लो आ जाएगा, और आपकी स्किन भी नेचुरली फेयर बनेगी। और अगर आपके चेहरे पे किसी तरीके का दाग धब्बे का निशान है तो वो धीरे धीरे आसानी से बस इसके इस्तेमाल से ही गायब हो जाएंगे, और आपको बहुत ही सुंदर और खूबसूरत चेहरा मिलेगा। तो बस आपको इसी तरीके से मसाज करना है 5 मिनट तक, जिससे कि ये आपकी गहराई तक चली जाए और आपके स्किन को फ़ायदा करे। और उसके बाद जब ये सूख जाए तो आपको इसे बस ठंडे पानी से धो लेना है। आपके चेहरे पे ज़्यादा एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल रोज़ करें, और अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे भी हैं तो ये उसे भी ठीक करता है, तो आप इसे हर रोज़ रात में इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप इसे 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, इसके रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और ये दोनों रेमेडी अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके सारे दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिए, और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको
मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और मैं आपके साथ ऐसे ही इजी और सिंपल रेमेडी शेयर करती रहूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स लोग को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।